नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। पीडीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरी तरह से स्पष्ट है, उनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी। पर्पल कैथल से नवेल मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह महर्षि वाल्मीकि संस्कृति विश्वविद्यालय में चल रहे यज्ञ अनुष्ठान में भाग लेने के लिए पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में हटाए गए पीटीआई अध्यापक संघ और कर्मचारी यूनियन के नेता हाथों में सरकार विरोधी स्लोगन बैनर और पोस्टर लेकर के नारेबाजी करते हुए वहां पहुंच गए। उन्होंने शिक्षा मंत्री और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि पीटीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पूरी तरह से स्पष्ट है और उनका पालन करना सरकार की जिम्मेदारी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की यह पूरी तरह से स्पष्ट कहा गया है कि सरकार द्वारा की गई पीटीआई भर्ती में नियमों को ताक पर रखकर किया गया, इसलिए उनको हटाना लाजमी है और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है और इन आदेशों की पालना करना सरकार की जिम्मेदारी है। आप देख रहे हैं पल-पल के विशेष रिपोर्ट। नए मास्टर सतवीर गोयल, राज्य सचिव हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ। आज जो हमारे साथी 1983 पीटीआई को हरियाणा सरकार ने दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, हालांकि सरकार चाहती तो इनको बचा सकती थी। सरकार के पास बहुत सी विधायी शक्तियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए बचा सकती थी। सरकार बार बार एक ही बात कहती है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को कौन सा सरकार सारे माने हैं? समान काम समान वेतन का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार लागू कर दे। अगर सरकार इनके साथ है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनकी रिव्यू पिटीशन डली हुई है। हमारा कहना यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन के अंदर जाए। अगर सरकार वास्तव में कर्मचारी हितैषी होने का दम भरती है, वरना हम ये समझेंगे ये तो एक शुरुआत है सरकार की। इससे आगे कभी कच्चे कर्मचारियों को, हेल्थ के कर्मचारियों को, कभी किसी को, ये जितने भी कोर्ट के अंदर जितनी भर्तियों के केस चले हुए हैं, हर भर्ती के इनके टारगेट के ऊपर है। और अगर सरकार इसी तरह से कर्मचारियों को हटाती रही तो सरकार का हर मोर्चे के ऊपर विरोध किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ हमारे इन साथियों के पूरी तरह से साथ है। मेरा नाम कमला है, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ। जीजीएस नाथ मंदिर में मेरी पोस्टिंग है। सर, मेरे भाइयों ने बहुत कुछ आपको बताया, लेकिन मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ। 1996 में लेक्चरर लगे थे हरियाणा स्कूलों में, सर सुप्रीम कोर्ट से वो लोग हारे थे, सरकार ने उनको रखा। 2000 JBT है उनको सरकार ने रखा। हमारे पुलिस के जवान हैं उनको सरकार ने रखा हारने के बाद, और 3206 JBTOं को रखा सर, और गेस्ट टीचरों को रखा सर। SYL का पानी का मुद्दा जो है वो कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, क्यों नहीं सरकार लागू करती? क्यों नहीं आज तक पानी दिलाया हरियाणा को? क्या ये एक सुप्रीम कोर्ट, चलो हम भी मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय है, हम उनकी आदर करते हैं उनका, लेकिन सर उसके अंदर भी हमारा ये फैसला बिल्कुल नहीं आता। अगर सरकार हमारा साथ देती, सरकार हमारे फेवर में खड़ी होती, अपने वकील को एफिडेविट देती कि जो 68 बच्चे हैं, जज साहब ने मांगा था कि जो 68 बच्चे हैं इनको हम एडजस्ट कर देते हैं, आप हमें वैकेंसी लिस्ट दे दो, सरकार ने मना कर दिया कि भी हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जबकि वैकेंसी आज भी खाली है। 1983 में से आज हम 1800 कुछ काम पे हैं, तो क्या वो पोस्ट खाली नहीं है सर? क्यों नहीं दी सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी लिस्ट सरकार ने? ये सरकार की वजह से फैसला आया है। हम राजनीति के शिकार हैं, हमें कांग्रेस के बताया जाता है। सर, किसी भी सरकार में, वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर वैकेंसी निकलेंगी तो आम आदमी अप्लाई करेगा, बेरोजगार अप्लाई करेगा, जो शिक्षित है वो अप्लाई करेगा, वो फॉलो करेगा। वो अगर सरकार में आता है, उसको जो नौकरी मिलती है तो नौकरी करेगा। वो किसी पार्टी का नहीं है, कर्मचारी तो किसी पार्टी का होता ही नहीं सर। अगर कर्मचारी किसी पार्टी की फेवर कर दे, सरकार उसको जेल में डाल देती है, तो हम कांग्रेस के कहां से हो गए सर? हम आम इंसान। मैं गांव फरल, जिला कैथल, कुंडरी ब्लॉक। देखिएगा मैम, सबसे पहले आपको नमस्ते करता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से डिसीजन दिए हैं, मैं आपको बड़े दावे से बता रहा हूँ कि
गोरंडा के आसपास किसानों की जमीन है, ना तो उनके नाम करी आज तक, ना उसको किसान बेच सकते, ना उस पर लोन ले सकते। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा था कि इसकी गिरदावरी करवा के इनके नाम करो। अरे जब आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के कितने फैसले हैं और बहुत सारे सैकड़ों फैसले हैं, आपने आप उनको नहीं मानते, आप अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए हमें क्यों नहीं बचाते? आप हवाला दे रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये पहली बार छोड़ी है, गैस टीचरों के मामले में आए, पांच पांच महीने गैस टीचर बाहर रहे, फिर उनको वापिस लिया। तो आपके पास सब कुछ है, आप सत्ता में हो, खट्टर साहब होश में आओ, दुष्यंत चौटाला होश में आओ। आज जब आप दो कुंडे अलग अलग धड़ तुम मिल सकते हो सरकार चलाने के लिए, तो आज आप क्यों नहीं इस पे एकत्रित होते? राजेश कुमार डीपी कैथल से ही, हम 1983 पीटीआई 2006 में एडवर्टाइजमेंट निकली थी, 2008 में हमारा एंट्री हुआ, टेस्ट हुआ, वो किसी कारणवश कैंसिल कर दिया गया, और हमारी लगभग 10 साल की सेवा के बाद हमारों को कार्यभार मुक्त कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार 5 महीने का समय था भाई। जब आपका 2 महीने में लॉकडाउन खत्म हो या 6 महीने में, उसके बाद आपने जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट करना है, मगर इस निर्दयी सरकार ने हमारे को समय से पहले ही लॉकडाउन का फायदा उठा के हमारे को रिलीव कर दिया गया। और मैं पूरे 1983 पूरे हरियाणा की तरफ से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारे साथ ये धोखेबाजी छोड़ के हमारे को वापिस हमारा रोजगार वापिस देने की कृपा करें, अन्यथा ये अनुशासन रखने वाले टीचर अनुशासन को भंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। धन्यवाद। पीटीआई टीचर जो मिलने के लिए आया, अभी मिलेंगे, हम सीएम की बात सुन लेंगे, क्या डिमांड है, क्या करना चाहते हैं, अभी तक तो बात हुई नहीं इनके साथ कुछ भी। आज अपना ये संस्कृति यूनिवर्सिटी है, इसका कार्यक्रम है, उसमें आज हम नियक्का ने उन्होंने कार्यक्रम रखा, उसमें भाग लेने के लिए मैं आज आया। किसका? पीटीआई का। देखिए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसमें हमारा तो कोई रोल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने मानना है कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियाँ हुई हैं बिल्कुल सारे नियमों को ताक पे रख के की, जिस प्रकार के उन्होंने अपने कमेंट्स भी किए, तो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू करना किसी भी सरकार की जिम्मेदारी भी है, और उसके लिए उसका कर्तव्य है। देखिए अब जैसे फीस के लिए हमने कहा था कि जो ट्यूशन फीस है उसको लेने की बात कही थी, नहीं आप कहाँ, नहीं देखिए अगर कहीं इस प्रकार की है वो हमने रोक लगा रखी कि जितनी फीस वो पहले लेते थे उतनी फीस ली जाएगी, अगर कहीं भी आपके पास इस प्रकार की जानकारी है आप दें, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नहीं अभी स्कूल खुलने का कोई वो नहीं है, हमने जो पहली से पांचवी तक है 31 अगस्त के बाद के बात कही है, और जो छठी से नौवीं तक का है उसके लिए हमने 15 अगस्त, और जो बड़ी क्लास है उसके लिए हमने 15 जुलाई के बाद। पेपर जो मैट्रिक का था वो हमने बाकी तो सबको प्रमोट किया, लेकिन मैट्रिक का जो साइंस साइड का पेपर था उसके लिए जिन बच्चों ने साइंस में एडमिशन लेना सिर्फ वो बच्चे, और उन्हें मेरे ख्याल से शायद 60,000 के करीब बच्चों ने उसमें किया है, अप्लाई किया है। हमने उनसे कहा कि वो ऐसे बच्चे जो उसमें साइंस साइड में कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं उनका पेपर होगा, बाकी किसी का पेपर नहीं। ये इन कई राजनीतिकरण होगा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश में क्या राजनीतिकरण होगा, आदेश सुप्रीम कोर्ट का है तो सुप्रीम कोर्ट में क्या राजनीति होगी, सीधा स्पष्ट आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मानने के लिए सभी बाध्य हैं, सभी को मानना पड़ेगा, चाहे सरकार हो और चाहे वैसे हो, कोर्ट का निर्णय सबको मानना है। कोरोना को लेके अब ये तो पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी महामारी है, पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या है, लेकिन मैं इसको अपनी सरकार की अपनी जनता की बहुत बड़ी सफलता मानता हूँ, क्योंकि जैसे जब कोरोना आया अगर उस टाइम के आप अखबार उठा के और दुनिया के मीडिया को देखो तो सबका ध्यान एक था कि भारत जो है इसका केंद्र बनेगा, और बाहर के दूसरे देशों ने कहा भी था कि भारत ही कोरोना का केंद्र बनेगा, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत है और इतने साधन नहीं थे,
लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से लॉकडाउन टाइम से लॉकडाउन किया और जिस प्रकार से जनता से अपील की और जैसे जनता ने रिस्पॉन्स दिया उसके कारण आज देश में बहुत बड़ी सफलता देश को मिली है और काफ़ी कंट्रोल में है देश में। अब ठीक है, अब जहाँ अमेरिका जैसे देश थे, जहाँ इटली जैसे देश थे, जहाँ मेडिकल फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी, बहुत एडवांस कंट्री थे, वहाँ की आप स्थिति देखो उसके मुकाबले में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। जुलाई में स्कूल खोलने की तैयारी थी तो क्या क्या नहीं, देखिए अब जैसी परिस्थितियाँ होंगी, आज में जो कुछ कह रहा है ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर है। अब ये कोई हमारे हाथ में नहीं, ऐसा नहीं है कि जो हमने कह दिया पत्थर पे लकीर है, क्योंकि हम परिस्थितियों को देखेंगे। हमारे लिए बच्चे और बच्चों का जीवन पहले है, उसके बाद दूसरा है। पढ़ाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो करानी है हमने निश्चित तौर से, लेकिन इस कॉस्ट पे नहीं कराएंगे हम कुछ भी। हम देखते रहेंगे, अब जैसे केस बढ़े तो हमने निर्णय बदल लिया, आगे जैसे जैसे स्थिति होगी उस तरीके से निर्णय लेंगे। ये तो स्वाभाविक ही है, देखिए जब सारे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, सारा कुछ बंद होगा, तो आर्थिक स्थिति निश्चित तौर से कोई भी देश है, कोई भी चाहे परिवार है चाहे व्यक्ति, अब देश की जो आर्थिक स्थिति है ना जी, व्यक्ति से है, व्यक्ति उसकी सबसे छोटी इकाई है। जैसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होगी तो देश की भी आर्थिक स्थिति खराब होगी। जैसे आपकी है, मेरी है, किसी की भी है, तुम्हारी भी डाउन आई, तो देश किससे बना? मेरे से ही तो बना, हम सारे मिल गए तो देश बन गया, तो देश की भी थोड़ा डाउन है। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उद्योग धंधे शुरू हुए, काम सारा शुरू हुआ, जिस प्रकार से सारी खरीदारी ठीक हुई, अनाज की खरीदारी ठीक हुई, गेहूँ अपना सरसों सारी जो ठीक गया, तो ऐसा ऐसा पटरी पे आता दे रहा काम और लगता है कुछ दिन में ठीक। नहीं, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया उसका शुरू हो गया। अब वो पैकेज का मतलब ये नहीं है कि वो किसी को हमने सीधे सीधे पैसे दिए, उसमें छूट है। जिस प्रकार से हमने किसी को जिसने इंडस्ट्री चलानी है उसको हमने 1 साल का ब्याज की छूट दे दी, उसकी लिमिट हमने बढ़ा दी, जो पहले कम थी वो ज़्यादा बढ़ा दी, और उसको 1 साल की ब्याज, ऐसे ही अलग अलग तरीके से जहाँ जहाँ छूट की जरूरत है उस प्रकार से छूट दी गई ताकि उद्योग धंधे शुरू। ऐसे नहीं है कि किसी को वैसे ही दे दिया कि चलो बैठ के आप खाओ कोई बात नहीं, उसके लिए नहीं है ये, इसलिए है कि सारा सिस्टम चालू होना चाहिए देश का और दोबारा से वो प्रगति पे आ। लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बस मेरा तो यही है कि हमें कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, जो सुरक्षा के उपाय हैं उन पे ध्यान देने की जरूरत है। मास्क, अगर मतलब कहीं भी हम जाएंगे तो मास्क लगाना चाहिए, भीड़ से हमें बचना चाहिए, भीड़ कहीं करनी भी चाहिए, बड़े फंक्शन नहीं करने चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और दूसरे जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो उसका हमने ध्यान रखना चाहिए, जो फ्रेज है उनका ध्यान रखना चाहिए हमने, बाकी काम अपने करने चाहिए ताकि, क्योंकि जरूरी है, अब उसको आप रोक नहीं सकते और वो करने चाहिए।